हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दूसरा दिन है हमारे ट्रिप का, और दूसरे दिन का पहला पॉइंट है हमारा जेजुरी। जेजुरी से फिर रिटर्न पूना में आएंगे, और पूना से फिर श्रीनगर फोर्ट। आज दो पॉइंट है जो हमें देखने हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट आ गया अभी जस्ट, और हमें ब्रेकफास्ट मिला है कांदा पोहा। कल के ब्लॉग में मैंने अपने होटल का नाम नहीं बताया था, तो होटल का नाम है ऐश्वर्या। और अभी हम निकल रहे जेजुरी के लिए। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, आप देख सकते हो। और हमने एक टोटल किलोमीटर अब तक जो चला है वो 211 है। सुबह के 10:30 बज गए और अभी हम निकल रहे। मैंने कल और आज भी नोटिस किया है, पुणे में गर्मी का रीज़न जो है ये हो सकता है कि यहाँ पेड़ नहीं है। आप अगर देखोगे तो पूरी जो पहाड़ियाँ है वो पूरी मिट्टी दिख रही है, एक भी पेड़ ऐसा दिख नहीं रहा है ऊपर नीचे। मैं कल आते वक्त भी देखा था, पहाड़ी भी कम है और पेड़ तो है ही नहीं उसके ऊपर। तो शायद ये रीज़न हो सकता है पुणे में गर्मी ज़्यादा है। और अभी अभी इतनी तेज़ धूप है ना, पूरे पसीने पसीने बह रहे। और ओ हो, टनल आ गया है। ये शायद कातरज टनल है, छोटा सा ही है लेकिन प्यारा है। कुछ नया देखने मिलता है तो बहुत खुशी होती है देखने के लिए। करेंगे तो खाना वाकई लाजवाब था, असल कोल्हापुरी था वो। एक बोलते ना, एक रियल टेस्ट।
चिकन कोल्हापुरी का तो मुझे खाना खाते हुए आ गया। और खाना खाते हमने डिसाइड भी किया कि थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है, जो हम सिंहगढ़ फोर्ट जाने वाले तो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और हमें फिर घर जाके मतलब पूना में जाके होटल में फ्रेश होके फिर चीज़ को चेंज वगैरह करके निकलना पड़ेगा। तो सोचा सिंहगढ़ फोर्ट का जो प्लान था वो कैंसिल करेंगे और अभी हम जाएंगे हमारे बाजू में ही 5-10 मिनट पे ही है जूलॉजिकल पार्क, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, तो हम उसमें जाएंगे और वो हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा बोल सकते हो। तो फाइनली बैग पैकिंग हो गई है और टाइम हो गया पूना को बाय बाय बोलने का। तो अभी टाइम हो गया चेकआउट करने का और पूना को बाय बाय बोलने का। घर जाने का सोच ही रहे थे कि और एक प्लान आ गया दिमाग में, अभी हम जाएंगे प्रतिबालाजी मंदिर देखने जो कि पूना से नज़दीक ही है। अभी हमने सर्च किया नियर बाय प्लेसेस टू विजिट इन पूना, तो यहाँ प्रतिबालाजी मंदिर भी एक फेमस है, तो हमने सोचा कि वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न घर जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। अभी से अगर घर पे निकलेंगे दोपहर तक पहुँच जाएंगे, तो उससे अच्छा है आराम से देख के शाम तक पहुंच जाते। ओहो भाई साहब संभाल के। और ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ हमारा ओयो का रूम था और ये नीचे चीते, मेरे वाइफ ने चीते से लगभग 1400-1500 का सामान जो है खरीद लिया है।
बाइक का नाश्ता पानी हो गया, अभी हमें करना है यही बाजू में मैकडी है वहाँ पे जाते कुछ खा लेते और उसके बाद बात करेंगे। और हमारा मैक्सिकन कोक और फ्रेंच फ्राइज आ गए, तो चलो खाते पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो मेरे पीछे है प्रति बालाजी मंदिर जो कि पुरंदर में है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, हमें हमारा सारा सामान जो है यही रखना पड़ेगा और फिर अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों हमारे सामने ये कातरज टनल, ये नया वाला कातरज टनल है जो हम लोग लास्ट डे देखा था, वो पुराना वाला था, ये नया वाला है। इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर ये मुझे मालूम पड़ा वहाँ ऊपर पड़ के, तो मैं सोच ही रहा था वीडियो को कहाँ एंड करते क्योंकि हमारी राइड अभी हो गई कंप्लीट, अभी हमें जाना है घर। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो जो है लाता रहूँगा। टिल देम Have a great day. Thank you. Ride safe. Be happy.